खुल नहीं रहा, अब क्या करें? हटो, मैं ट्राई करता हूँ। खुल जा अली बाबा 40 चोर की गुफा है जो खुल जा सिम सिम करके खुलेगी। इस स्कूल में आके मेरी जिंदगी खराब हो गई। हे भगवान। जस्सू बेबी, why you fear when Bablu is here? Don't cry. मैं अभी आपके लिए हथौड़ा लेकर आता हूँ और इस गेट को तोड़ दूंगा। आप रो मत। होमवर्क नहीं करोगे, एक एक करके सारे मरोगे। ओह शिट। ये तो मैं कल लेकर गई थी। मुझे दिखाओ। जो भी है इसी मिरर में है। गेट भी खुल गया। चलो अब यहाँ कोई भूत भूत नहीं है और देर भी बहुत हो चुकी है। हमें हमारे घर निकलना चाहिए। जल्दी से अपने अपने बैग उठाओ और घर निकलो। चलो टाइम देखा है, इतना लेट कहाँ मुंह काला करा रहा था? आपको पता भी आज क्या हुआ? भूत से लड़के आ रहा हूँ मैं। शर्म नहीं आती तुझे? टीचर को भूत बोलता है। अरे टीचर को भूत नहीं बोल रहा, सच्ची का भूत, जिसे देखते ही पैंट में से बिना प्रेशर के सुसु निकल जाए, वो वाला भूत। ओ, सच्ची का भूत। अबे ओ अवेंजर के बच्चे, चल अब अंदर जाके पढ़ाई कर, नहीं तो मैं भी हल्क बन जाऊंगी और हल्क बन के इस थॉर का डंडा देखा ना, ये तुझे मारूंगी। भूत देखा बड़ा आया, जा अंदर जाके कपड़े बदल के पढ़ने बैठ। बेटा आज मैं कुकर नया लेके आया हूँ, कल से खाना इसमें बनाएंगे। जी पापा। आज का पहला दिन स्कूल में कैसा गया? मैं फट के चार हो गई। क्या बोला? चली जा, जान से मार दूंगा। चली जा। बच गए। ए ओ बच गए। जब बाप की जान लेगा क्या? पापा सॉरी पापा, मुझे लगा भूत था। तेरा भूत मैं उतारता हूँ। थैंक्स यार, आज हॉस्टल के बदले तेरे घर में सोने की जगह देने के लिए। हम भी आज अकेले सो ही नहीं पाते, जब भी आंखें बंद करते हैं उस भूत का चेहरा नजर आता है। ओ भगवान जी, आज तो मर ही जाते। अरे यार तू चिंता क्यों करती है, पंकज ने कहा है ना कोई भूत भूत नहीं आएगा। तू बहुत पंकज की बातें कर रही है, पसंद करती है ना उसको? ओ नो प्लीज, पंकज मेरे टाइप का बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ वो चावल वाली बिल्डिंग और मैं बुर्ज खलीफा? झूठ बोल रही है ना,
झूठ बोलेगी तो पाप लगेगा और पाप लगने पे बुरा होता है। अच्छा अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना तो ये लाइट ही चली जाए। कहा था मैं झूठ बोल रही है? झूठी झूठी झूठी। मुझे डर लग रहा है, तेरा हाथ पकड़ लूं? पकड़ ले। तेरा हाथ कितना ठंडा है। अरे वाह मिल गई टॉर्च। तेरा हाथ आलिया हमारी शादी में बजेगी तालिया। ओ आलिया अरे बस करो ना ये सब शादी के बाद। अरे 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 बस नहीं करो यार। भगवान जी प्लीज बचा लो कसम खा के कह रहा हूँ साल में 365 दिन पढ़ूंगा, दिन के 24 घंटे पढ़ूंगा। प्लीज भगवान जी बचा लो, जो कहूंगा वो करूंगा। भगवान जी बचा लो चुड़ैल से, बचा लो। चली गई भगवान जी, थैंक यू बचाने के लिए। और जो मैंने वो पढ़ाई वाली बात कही थी उसे भूल जाना, वो मैंने मजाक में कही थी। अरे यार पहले ही इतनी हालत खराब रखी है, तुम और डरा दो। टिंकू मिलना पड़ेगा इनसे तभी कुछ हो पाएगा। हेलो टिंकू तू जहां भी है जल्दी मिल यार। हाँ अभी आ। अबे जाना छुट्टी नहीं है, चल हट। अबे टिंकू तू, और ये क्या हो गया भाई? घर पे ना पापा को भूतनी समझ के उनके सर पे कुकर बजा दिया, फिर पापा ने मुझे मंदिर का घंटा समझ के मुझे बजा दिया। भाई फुल प्रसाद मिला आज तो पापा से। ठीक है यार, इस भूतनी ने तो लाइफ के एल लगा दिया है, अब क्या करें? पता नहीं यार, घर पे पापा मारते हैं, स्कूल में भूतनी डराती है, मेरा जो करियर शुरू उनसे पहले खत्म हो गया। ओ हेलो, तू करियर की बात तो करी मत, जैसे तेरे मार्क्स है ना तो तेरे को सिक्योरिटी गार्ड से ऊपर कोई नौकरी वैसे भी नहीं मिलने वाली। भाई ऐसा मत बोल यार, पढ़ता तो था मैं। तू कुछ नहीं पढ़ता था, बातें मत बना फाल। अब तू कहाँ आले और जसवंती यहाँ? आले जसवंती तुम लोग यहाँ? अरे इन लोगों का कॉल मुझको आया था, वो क्या है ना मैंने अपना नंबर जस्सू के बैग में डाल दिया था। चल अच्छा है। सो आल्या कैसी हो तुम, चाय पे चलोगी या कॉफी पे? कब्रिस्तान चले, वो गोस्ट मुझे रात को फिर दिखी थी। हाँ हम उसको देख के पूरा कांप गए थे। मैं हूँ ना, मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। इतना बड़ा चूहा तुम्हें? चूहे से डर जाते हो और हमें भूत से बचाओगे? फेकू तुम्हारे पास कोई प्लान है? मतलब प्लान तो है पर अभी सोचा नहीं है। करेंगे मेरे पास है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। क्या क्या सॉल्यूशन है तेरे पास? बूम बूम, थोड़ा ले ले, थोड़ा दे दे। Thank you.
तेरा पास पसीना लगा लगा। इस दुनिया में कोई लेता है तो कोई देता है, इसलिए बाबा भाऊ भाऊ थोड़ा ले ले थोड़ा दे दे सबकी मदद करता है। भाऊ भाऊ भाई ऐसे कुत्ते की तरह क्यों बैठा है? लोहे लेना शायद इसीलिए। बताओ बच्चों क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा हमें स्कूल में भूतनी दिखी थी और अब वो हमारे घर तक पहुंच गई है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ सीला की जबानी आई लव यू टू। हाँ कुछ तो लेना होगा इनसे। ये क्या मांग रहा है हाथ मेरा? अरे कुछ रखो इस पर। क्या मांग रहे बाबा जी? अरे बच्चा समझ नहीं पाया तुम, 2000 का नोट रख दो। बाबा जी इतने पैसे तो अभी हमारे पास नहीं है। कोई बात नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देना। बाबा भाव भाव ठीक है बाबा जी घर पहुंच के कर देंगे, आप बस भूतनी को भगाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। भूतों की याद हटाने के लिए आखिरी तरीका। मैं रेडी हूं। छोटा पैकेट इधर आओ। भूल गए हो ना उस भूत को? मैं हूँ एक उड़ता रोबो डोरेमोन। डोरेमोन शिजुका चलती क्या खंडाला, मेरा मतलब जस्सू बेबी, मेरा मतलब जसवंती जी, अब तो मेरी बहन जैसी। हाँ अब ठीक है, अब भूतनी तुम्हारी जिंदगी से लाइक आउट हो चुकी है। जाओ और चिल करो चिल। 5 सेकंड के लिए सब अपनी अपनी आईज क्लोज कर लो, तुम भी और हम भी। आईज क्लोज बेटा। अबे क्या हो गया, डर क्यों रहे हो? अरे पंडाता है ये। अब हमें कुछ करना होगा, जो भी करेंगे स्कूल में करेंगे। चलो चलो ये हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सिटी हूँ लोक उजागर। ओ भूतनी लंच के बाद आना, ओ भूतनी लंच के बाद आना। अरे यार तुम पागल हो गए हो क्या? और ये क्या लगा रखा है ओ भूतनी लंच के बाद आना? वो इसके पापा सरकारी बैंक में काम करते हैं ना, तो सारे काम लंच के बाद ही होते हैं। ऐसा ही चलता रहा ना तो इस भूतिया स्कूल में कोई नहीं बचेगा। हम इतने जल्दी नहीं मरना चाहते, अभी तो हमें लॉयर IPS MBA CA बहुत कुछ करना है। इतना पढ़ने से अच्छा तो मर ही जाए। पंकज प्लीज ये मरने की बात मत कर। हेलो हेलो हरामीज बसास। गुड मॉर्निंग सर। पंकज जसवंती छोटू मोटू आलिया तुम सबको प्रिंसिपल ने अपने केबिन में बुलाया है, जाइए जाओ। आओ लौट के बताओ। स्कूल के CCTV में तुम सब लोग स्टोर रूम से निकलते हुए पाए गए थे, कुछ कहना है तुमको इस बारे में? सॉरी सर, वो हम गर्ल्स को स्कूल टूर दे रहे थे। तुम्हें क्या लगता है यह मजाक चल रहा है? सस्पेंड कर दूंगा मैं तुम्हें अभी के अभी, समझे? हाँ सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ सर भूत भूत जैसे कुछ भी नहीं है, हम तो स्कूल टूर करा रहे थे। सर ये सही कह रहे हैं। तुम सबको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, स्कूल की बेल के बाद यहाँ कोई नजर नहीं आएगा, अगर यहाँ दिखाई दिए तो सबको सस्पेंड कर दूंगा, पूरा साल खराब हो जाएगा, समझे? अब तुम जा सकते हो। पंकज तुम रुको। यस सर।
स्टोर रूम में तुम्हें कुछ अलग सा लगा? नहीं सर, वही धूल मिट्टी और पुरानी किताबें। मैंने स्टोर रूम का लॉक लगवा दिया, अगर स्टोर रूम के आसपास वहां कोई दिखा तो पूरे साल भर के लिए सस्पेंड कर दूंगा, तुम जा सकते हो। तुम लोगों की वजह से वो भूतनी पीछे पड़ गई और अब स्कूल से भी हाथ धोना पड़ेगा। सस्पेंड तो नहीं होंगे, पर उस भूत के बारे में जानना भी जरूरी है। अब तू उस भूत की ऑटोबायोग्राफी निकालेगा? हाँ, एक काम करते ना, भूतनी को मिलते हैं और उससे पूछते हैं आपका नाम क्या है, भूत बनके मजा तो आ रहा है ना यार, क्या कर रहे हैं पंकज? ऐसी बात नहीं है। आलिया ने जो बैग स्टोर रूम से लिया था उसमें से मुझे ये फोटो मिली है और इसके पीछे 2002 लिखा है, इसका मतलब ये फोटो 2002 की है। हमें जानना होगा ये फोटो किसकी है। पर हम ढूंढेंगे कैसे? स्टाफ रूम में सारी फाइल्स कबर्ड्स में रखी हैं। अब क्या करें? सर, सर, व्हाट आर डूइंग? वेट इट, सर। सर, वो स्कूल में पंडित जी आए हैं, हाथ पढ़ के बता देते हैं शादी किसके साथ होगी और कब होगी। ओ वाओ, सच्ची बोलिंग्स? सर आपकी कसम खाइंग्स बोलिंग्स। खैर सर, हमारे बच्चों को भविष्य देखते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब है स्कूल के बच्चों को भविष्य देखते हैं।